भाषा शिक्षण के अध्ययन में हमने पिछले वीडियो में वर्णमाला के बारे में अध्ययन किया तथा वर्णमाला में अंत में ला अक्षर लगाकर कुछ दो वर्णों वाले शब्द के बारे में भी अध्ययन किया है, यानी कि हम दो वर्णों वाले शब्द के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम आगे तीन वर्ण वाले शब्दों का अध्ययन करने से पहले हम वर्ण अक्षर और शब्द के बारे में ही जान लेते हैं, यानी कि हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये वर्ण जो है वो वर्ण क्या होता है। तो दोस्तों, वर्ण एक ध्वनि होती है जो कि हमारे मुख द्वारा उच्चारित की जाती है, और उस उच्चारित ध्वनि को हम जब किसी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वो वर्ण कहलाती है। और ये ध्वनि जो है बहुत ही छोटी ध्वनि होती है, यानी कि ये बहुत छोटी ध्वनि होती है। इस छोटी ध्वनि को बाद में हम इसके टुकड़े भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये छोटी से छोटी ध्वनि जो होती है उसे वर्ण के नाम से जानते हैं। तो वर्ण हमारे होते हैं जैसे का, खा, ग, घ, अ, आ, व, आ, इ, इ, उ, उ, और ये हमारे जो हैं वो ध्वनियों के पूर्णतया जो संकेत हैं उन्हें हम वर्ण के नाम से जानते हैं, यानी कि हम अपने मुख से जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं उस छोटी ध्वनि को हम वर्ण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम जो है वो परिभाषाएं ना देकर अपने अनुभव के आधार पर जो भी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और अगला हमारा होता है जिसे कि हम अक्षर कहते हैं, यानी कि अक्षर। अक्षर एक तरीके के वर्ण दो और एक वर्ण भी मिलकर अक्षर कहलाने के हकदार हो जाते हैं, यानी कि अक्षर हम जब कहते हैं कि जब हम किन्हीं दो अक्षरों को यानी किन्हीं दो वर्णों या एक वर्ण का जो स्वतंत्र उच्चारण करते हैं उसे हम अक्षर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसे हम हिंदी में अक्षर कहते हैं और इंग्लिश में इसे सिलेबल कहते हैं। तो इस सिलेबल यानी कि अक्षर जो है वो वह ध्वनि होती है जिसका हम एक साथ उच्चारण करते हैं, जैसे कि हम कमल लिखते हैं और इस कमल में जो है वो दो, एक दो तीन यानी तीन वर्ण हैं और अक्षर इसमें दो हैं। इसमें वर्ण जो हैं वो हैं तीन, का, मा और ला। वहीं इसमें अक्षरों की संख्या जो है, अक्षर जो हैं वो दो हैं, यानी कि का हम अलग उच्चारण करते हैं और मा और ला का एक साथ उच्चारण करते हैं। कमल, हम इसे कहते हैं कमल। तो ये हमारे दो, यहाँ से दो अक्षर हुए हैं कमल में। इसी तरीके से और दूसरा अक्षर हम लेते हैं जैसे कि है अदरक। तो इस अदरक में भी दो ही अक्षर हैं, अद और रक। तो ये दो अक्षर हैं। इस तरीके से कोई शब्द हम और लेते हैं जिसे हम लिखते हैं जैसे काला। तो काला में दो वर्ण हैं, का, आ। इसमें जो वर्णों की संख्या है वो है चार, का, आ और ला और फिर आ, यानी कि इसमें चार वर्ण हैं लेकिन अक्षर जो हैं वो दो ही हैं, का और ला। तो काला में दो अक्षर हैं। इस तरीके से हमारे जो अक्षर और वर्ण होते हैं उन्हें हम ध्यान में रख लें तो हमें भाषा शिक्षण में बहुत ही आसानी रहती है, यानी कि हम इसे समझ लें कि क्यों अक्षर होते हैं और क्या वर्ण होते हैं। तो वर्ण हमेशा एक सिंगल अक्षर हो सकता है और अक्षर जो है वो दो वर्णों को मिलकर भी अक्षर बनता है, यानी अक्षर का जो है वो दो वर्णों के संयोग से भी अक्षर बन जाता है और एक वर्ण से भी अक्षर
बन जाता है। वहीं शब्द जो है, एक हमारा और टर्म आता है शब्द। तो शब्द जब एक वर्ण या दो वर्ण या तीन वर्ण मिलकर के एक अक्षरों और एक अक्षर या दो अक्षरों के संयुक्त रूप को, इसमें अक्षर जो है दो, एक दो तीन भी हो सकते हैं, और कई अक्षरों के जो संयुक्त रूप है जिसका कोई अर्थ हो, उस सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यानी शब्द के लिए ये जरूरी है, यहाँ केवल ध्वनि जरूरी है, ध्वनि वर्ण के लिए और अक्षर के लिए भी ध्वनि की बात की जाती है, ध्वनि की बात की जाती है, इन दोनों में ध्वनि की बात की जाती है। लेकिन वही ध्वनि अगर अर्थ देने लगे, यानी कि कोई ध्वनि जो है वो अर्थ देने लगे, तो उसे सार्थक ध्वनि को, ध्वनि का कोई अर्थ हो, तो हम उसे शब्द के रूप में जानते हैं, तो वो हमारा शब्द हो जाता है। यानी कि जब तक कोई ध्वनि का अर्थ नहीं होगा, तब तक वो शब्द नहीं हो सकता। जैसे कोई भी चीज़ यदि आवाज़ करती है, तो उस आवाज़ को हम ध्वनि शब्द नहीं कह सकते। जिस तरीके से किसी मशीन के चलने की आवाज़ हो या कोई जानवर आवाज़ करता हो, तो उसे हम ध्वनि और वर्ण तो कह सकते हैं, लेकिन उसे शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि उसका अर्थ नहीं होता है। लेकिन यदि उस आवाज़ को हम समझने लगें और उसका कोई अर्थ हो, तो हम उसे शब्द कहते हैं। तो शब्द के लिए उदाहरण के रूप में हम कमल, पेन और किताब, इस तरीके से ये शब्द हैं जिनका कोई एक निश्चित अर्थ है। जैसे किताब अगर हम कहें, तो हमारे मस्तिष्क में कोई चित्र बन जाता है, तो उसका ये अर्थ किताब, ये शब्द हुआ। और पेन से भी हमारे मस्तिष्क में अर्थ बनता है, वहीं कमल से भी हमारे मस्तिष्क में एक अर्थ या एक फिगर जो है वो बन जाती है। तो इस फिगर से जो शब्द का संबंध होता है, तो उसे हम शब्द के रूप में जानते हैं। वहीं अगर कई शब्द मिलकर एक पूरी बात को निश्चित कर दें, तो वो वाक्य कहलाता है। वाक्य यानी वाक्य किसे कहते हैं? जब कई शब्द मिलकर एक पूर्णतया बात, यानी कि एक पूरे अर्थ को प्रेजेंट करते हैं, या पूरा अर्थ जब उपस्थित करते हैं, तो हम उसे वाक्य के रूप में कहते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो ये हमारा एक वाक्य हो गया। इसमें राम से हम किसी बालक का चित्र बनता है, और स्कूल से जो है वो किसी स्थान का चित्र बनता है, और जाता है से कोई क्रिया है, तो हमें ये पूरी बात पता चल जाती है कि आदमी जो है वो स्कूल जा रहा है या एक बच्चा स्कूल जा रहा है, तो वो ये पूरा वाक्य हुआ। जैसे कि और वाक्य हम देते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया। तो इस तरीके से दोस्तों, ये हमारे जो हैं वो वाक्य बनते हैं, और हम इस तरीके से हम वाक्यों, शब्दों और वर्णों को समझ लेते हैं, तो हमें पढ़ने में बहुत ही सुविधा रहती है। जैसे कि हम वर्ण से हमारा जो अभिप्राय है वो ये है कि हमारे जितने भी ध्वनियाँ आती हैं और जिनके चित्र हैं, वो छोटा से लेकर जो कि ज्ञा और सरा तक की जो ध्वनियाँ हैं, उन सभी को हम वर्ण के रूप में जानते हैं। वहीं यदि ये दो या दो से अधिक जो वर्ण आपस में मिलकर एक एकदम उच्चारित होने वाली ध्वनि को निकालते हैं, तो उसे हम अक्षर के रूप में जानते हैं। जैसे कमल में का, मावला, मल, ये जो है दो अक्षर हो गए, का और मल, कमल। जैसे दो नो, तो दो और नो दोनों का मतलब हुआ है कि इसमें दो अक्षर हैं। तो और वहीं यदि इन अक्षरों का
मिलान से कोई अर्थ, जब उस ध्वनि से कोई अर्थ का संबंध हो जाता है तो उसे जो है वो शब्द कहते हैं, और जब ये कई शब्द मिलकर एक कोई पूरी बात को बता देते हैं तब वो वाक्य कहलाता है, और कई वाक्य मिलकर जब एक पूरी कहानी को किसी के पास अभिव्यक्त कर देते हैं तो वो अनुच्छेद या कहानी कहलाती है। तो ये इस तरीके से हमारे अनुच्छेद, कहानी और पुस्तक यानी कि सब कुछ बना जो है वो इसी से बना है। जैसे कि एक ईंट को हम ईंट कहते हैं, और जब दो चार ईंटें मिल जाती हैं तो उसे पाया या दीवार के नाम से जाना जाता है, और जब कई दीवारें मिलकर उसके अंदर रहने के लिए जब जगह हो जाती है तो हम उसे कमरा कहते हैं, और जब दो चार कमरे मिलकर के एक पूरा घर बना देते हैं तो हम उसे घर या मकान कहते हैं, और जब ये मकान बड़ा होता है तो इसे कोठी कहते हैं, और जब कई मकान एक दूसरे से मिलकर मिल जाते हैं तो उसे गांव कहते हैं, और जब गांव बड़ा होते होते और कई गांव मिल जाता है तो हम उसे शहर, कस्बा और शहर के रूप में जानने लगते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये है कि जो अंतिम चीज़ तो वो एक ईंट ही थी जो कि मिट्टी की बनी हुई थी, और उसी तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो हमारी मोटी मोटी किताबें हमें पढ़ना पड़ती हैं, लेकिन उन किताबों के अंदर जो है वही अक्षर लिखे होते हैं जो कि वर्णमाला में होते हैं या किसी भी भाषा के अल्फ़ाबेट में जितने भी संकेत दिए होते हैं वही संकेत उस भाषा की कोई भी किताब हो, कितनी भी मोटी किताब हो, वही सारे संकेत मिलते हैं। जैसे कि कितना भी भारी शहर हो या कोई भी बिल्डिंग हो उसमें छोटे छोटे जो है ईंटें और बजरी और कंकर पत्थर ही जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ना यदि आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही कुछ और नए अध्ययन लेकर। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही। जय हिंद।